की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर याचिकाकर्ता और फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने कहा है कि सीजेआई बेंच ने ये माना है कि पेपर लीक हुआ है। वे ये निर्धारित करना चाहते हैं कि पेपर किस हद तक लीक हुआ है। वहीं अदालत ये निर्धारित करना चाहती है कि क्या ये पेपर लीक एक व्यवस्थित विफलता थी या फिर कुछ व्यक्तियों की कदाचार के कारण हुआ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि राहुल गांधी ने उन परिवारों से मुलाकात की जो हिंसा से प्रभावित हुए हैं और वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो दर्द में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि मणिपुर के लोग अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच देखना चाहते हैं, तो वहीं मणिपुर सवा साल से दहक रहा है, कितनी जाने चली गई, कैसे दृश्य हमने देखे और प्रधानमंत्री की ओर से जिक्र तक नहीं होता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे, जहां राज्य के लोगों से मिलने के बाद उन्होंने इंफाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल ने कहा कि जब से यहां विवाद शुरू हुआ है मैं तीसरी बार आया हूं। मैं कई कैंप में गया, लोगों से बात की, उनका दर्द सुना। मैं यहां उनसे बात करने और साहस देने आया था। यहां शांति बहाली की जरूरत है। राहुल गांधी की हिंदू वाले बयान पर हो रही जमकर आलोचना के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस सांसद का समर्थन किया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि हमने पूरा वीडियो देखा है, राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा है, और अगर कोई इस तरह की बात फैला रहा है कि राहुल ने हिंदुओं के खिलाफ कोई बयान दिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाकर हमला किया है। आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग में सेना के 2 जवान घायल हुए हैं, तो वहीं आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि आतंकियों ने ये नापाक हरकत जिले की बिलावर तहसील के मछेड़ी इलाके के बदनोटा गांव में की है। छत्तीसगढ़ में बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन छेड़ दिया गया है। इस कड़ी में 8 जुलाई को राजीव गांधी चौक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वेज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड चौक पर कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां सभी नेताओं ने अपने हाथ में लालटेन थामकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को पहुंच गए हैं, जहां एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। रूस के प्रथम डिप्टी पीएम डेनिस मंटोरोव ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्राइवेट डिनर पर पीएम की मेजबानी करेंगे। बिहार के रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। आपको बता दें कि एनडीए की ओर से जेडीयू ने कलाधर मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने बीमा भारती पर एक बार फिर भरोसा जताया है। इस बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सबको चौंकाते हुए बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान किया है। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर लिया है। उन्हें 45 विधायकों ने अपना समर्थन दिया। इसके बाद रांची स्थित राजभवन में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ।